एक बार बहुत सारे मेंढक जंगल से जा रहे थे। अचानक से दो मेंढक पैर फिसलने की वजह से दलदल वाले खड्डे में फंस गए। अब वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे। इतने में बाकी मेंढकों ने कहना शुरू किया कि इस खड्डे से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह सुनकर तो एक मेंढक हिम्मत ही हार गया और दलदल में फंसकर उसने अपनी जान गंवा दी। लेकिन दूसरे मेंढक ने हिम्मत नहीं हारी, वो कोशिश करता रहा और फाइनली उस खड्डे से बाहर निकल गया। इतने में बाकी मेंढकों ने उससे पूछा कि तुमने क्या हमारी आवाज नहीं सुनी थी, तुम कैसे बाहर आ गए? तो उसने कहा कि एक्चुअली मैं बहरा हूं, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं देता, मुझे तो गहरे खड्डे में ये लग रहा था कि आप लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, इस वजह से मैं बाहर आ गया। अब गाइस यहां सीखने लायक बात यह है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, इसको देखने के दो नजरिए हैं। पहला, मैं ये काम नहीं कर सकता इसलिए हिम्मत हार के बैठ जाऊं। लेकिन दूसरा, ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता? नजरिया बदलिए, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जहां एक और कोरोना वायरस पूरी दुनिया के 32 से ज्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है, वहीं पूरी दुनिया के शीर्ष नेताओं से लेके शाही परिवार तक हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। वो हैंडशेक की बजाय नमस्ते कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की तारीफ हो रही है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इजराइल के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर से लेके ब्रिटेन का शाही परिवार शामिल है। और सबका यही कहना है कि अगर हमें कोरोना वायरस से जंग जीतनी है तो इसमें भारत का नमस्ते एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हमें गर्व है अपने भारतीय होने पर और भारतीय संस्कृति पर, तो इसीलिए कोरोना नमस्ते।